अरे माया बहन ने भमल बना करी, माया बहन ने भमल बना करी, विकसित कर दी काम की। सर पर चढ़कर बोल रहा है जादू कांसी। और कभी कभी मैं गीत गाया करता था कि मेरे बहुजल का ओ राजा, जिसे कहते हैं कांसी राम, मेरे बहुजल का ओ राजा, जिसे कहते हैं कांसी राम। मैं तो फूले का दीवाना बनूंगा, क्योंकि आया है बुध जी का नाम। ऐसे मैं तो जाऊंगा और पिछड़ों को जगाऊंगा, ऐसे मैं तो जाऊंगा बहुजन को समझाऊंगा, क्योंकि आया है मुल्ला का नाम, मेरा रहबर है कांसीराम। साहब के आने से अरे उनकर राजनीतिया गड़बड़ाएल, उन्हन के बुधियो हेराएल, उन्हन के राजनीतियो बढ़ाएल, उन्हन के बुधियो हेराएल। मनुवादियों का, जालिमों का, जो कातिल हैं, जो हमेशा बहुजन समाज पे वार करते हैं, बहुजन समाज में आज भी मनुवादी घुसा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। मैं संजय अंबेडकर इस समय उपस्थित हूँ लखनऊ में, जहाँ पे मानवर श्री कांसीराम साहब की आज परिनिर्वाण मनाया जा रहा है बसपा के तरफ से। यहाँ पे बसपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप जिस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लगा था कि बसपा मुखिया मायावती जी संबोधित करेंगी, लेकिन यहाँ पे आज वो संबोधित नहीं करेंगी। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे, आइए देखते हैं, अंदर बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, किशोर कुमार पगला जी जो बसपा के पुराने सिंगर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित हैं किशोर कुमार पगला जी, जो बसपा के पुराने वरिष्ठ सिंगर भी रहे हैं, कार्यकर्ता भी रहे हैं। बीच में कुछ इनकी बगडोर इधर उधर चली गई थी, लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या कहेंगे मानवर श्री कांसीराम साहब की परिनिर्वाण पर? देखिए, मानवर कांसीराम साहब इस दुनिया में एक जन आंदोलन बनकर के आए थे, जिनका आदर्श, जिनका विचार, जिनका सब कुछ आज हमारे बीच में जिंदा है। आज जो बहुजन समाज का जो सैलाब आपको उमड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये साहब कांसीराम की देन है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, दूसरे की देन नहीं है। मान्यवर कांसीराम साहब के रास्ते से बसपा भटक चुकी है सर? नहीं, देखिए हम बता दें, बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो लोग हैं, वो मान्यवर साहब के रास्ते से भटके नहीं हैं, बल्कि उनकी बात को पूरी तरह से ये लोगों के बीच में बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबको लगी है कि कहीं अगर मैं बता दूंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। इसमें ये लगे हुए कमाने खाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन जो है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को, मानवर कांसीराम साहब के आदर्शों को दबा देना चाहते हैं, डुबो देना चाहते हैं, ऐसी मेरी नज़रिया है। आप तो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, सिंगर रहे हैं सर जी, तो एक गाना आज जो है मानवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण पर सुना दीजिए दर्शकों को। दर्शकों को के बहुजन समाज के, बहुजन समाज के जगा गईली साहब जी, शासन के रहिया देखा गईली साहब जी, शासन वाले रहिया देखा गईली साहब जी, मरले नौकरी के ठुकरवा, छोड़ ले घरवा दुअरवा, अरे वादा जेवन कईले, वादा जेवन कईले, निभा
गईल साहब जे शासन करहिया, देखा गईल साहब जे शासन करहिया, देखा गईल साहब जे। साहब के आने से अरे उनकर राजनीतिया गड़बड़ाएल, उन्हन के बुद्धियो हेराएल, उन्हन के राजनीतियो बढ़ाएल, उन्हन के बुद्धियो हेराएल। मनुवादियों का, जालिमों का जो कातिल हैं, जो हमेशा बहुजन समाज पे वार करते हैं, बहुजन समाज में आज भी मनुवादी घुसा हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, बहुजन समाज जागरूक नहीं हो रहा है। हम लोग तो पुराने कार्यकर्ता हैं अपना, मैं भी चाचा, मैं बात करना चाहूँगा, आप कैसे इस मिशन में आए और कब से बसपा में लगे? देखिए बाबू, मैं सन 1984 में मैं DS4 के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी में मैं शामिल हुआ, और पहली मेरी मुलाकात मान्यवर कांशीराम साहब से पहले कहाँ थे सर? उसके पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं प्रैक्टिशनर था, एलोपैथिक से मैं डॉक्टर था, और गाने बजाने का काम कर रहा था, बाबा साहब की गीत, महात्मा ज्योतिबा राव की गीत, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की गीत गाया करता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बारे में नहीं मालूम था कि बहुजन समाज पार्टी है क्या। लेकिन पहली मुलाकात मान्यवर कांशीराम साहब से हुई, और मान्यवर जी ने कहा कि मेरे साथ लग करके तुमको बहुजन समाज को तैयार करना होगा। हम कहें ठीक है साहब, कोई बात नहीं साहब। हमको दिल्ली के कोना कोना में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा था, साहब लेकर चले, मेरी गीत गौनी हुई, और कभी कभी मैं गीत गाया करता था कि मेरे बहुजन का ओ राजा जिसे कहते हैं कांशीराम, मेरे बहुजन का ओ राजा जिसे कहते हैं कांशीराम, मैं तो फूले का दीवाना बनूंगा क्योंकि आया है बुद्ध जी का नाम, ऐसे मैं तो जाऊंगा और पिछड़ों को जगाऊंगा, ऐसे मैं तो जाऊंगा बहुजन को समझाऊंगा क्योंकि आया है मुल्ला का नाम, मेरा रहबर है कांशीराम। आपके लाखों चाहते हैं सर दुनिया देश भर में बसपा की तरफ से, आपके गाने सुनने के लिए लोग तरसते हैं, कौन सा गाना सबसे ज्यादा हिट हुआ है सर? दो लाइन बस दो कड़ी सुनाइएगा। देखिए साहब 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 साहब, देखिए सबसे ज्यादा हिट गाना अगर आपने पूछा तो सबसे ज्यादा हिट गाना यही मेरा हुआ, और दूसरा गाना मेरा ये हिट हुआ कि दीवाना हो गया जमाना, दीवाना हो गया जमाना, अरे बाबा तेरे नाम का, अरे सर पर चढ़कर बोल रहा है जादू कांशी राम का, सर पर चढ़कर बोल रहा है जादू कांशी राम का, सर पे चढ़कर बोल रहा है बाबा। भीमराव ने भारत में समता की अलख जगाई थी, भीमराव ने भारत में समता की अलख जगाई थी, उस पर साहब कांशीराम ने पक्की नींव लगाई थी, उस पर साहब कांशीराम ने पक्की नींव लगाई थी, अरे माया बहन ने भवन बना करी, माया बहन ने भवन बना करी, विकसित कर दी काम की, सर पर चढ़कर बोल रहा है जादू कांशी।
कर बोल रहा है जादू कांशी राम का, सर पर चढ़कर बोल रहा है दलित मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम भाई हैं, दलित मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम भाई हैं, आओ बहुजन इन्हें सिखाएं, आओ बहुजन आर एस एस को भगावें, ये सैलाब उमड़ा पगला का, सर पर चढ़कर बोल रहा है जादू कांशी राम का, सर पर चढ़कर बोल रहा है। जय भीम जय भारत। तो हमारे साथ में बात कर रहे थे गाने के माध्यम से किशोर कुमार पगला जी, इनका सफर जो रहा बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था लेकिन डॉक्टर से सिंगर का सपना सफर हुआ। तो हमारे साथ में इस समय में लखनऊ में थे हम बात के, आप देखते रहे वीडियो को शेयर ज्यादा करें।